जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्कूटर के बारे में जिसने पूरी दुनिया भर की वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। यह स्कूटर अफ्रीकी महाद्वीपों का कांगो राज्य में बनाया गया है और यहाँ दुनिया की सबसे गरीब लोग रहते हैं और उन गरीब लोगों ने ही खुद की कूड़े कबाड़े से यह स्कूटर बनाया है। और इस स्कूटर की खासियत को देखकर दुनिया भर की साइंटिस्ट इंजीनियर इस स्कूटर को देखने आ रहे हैं। इसकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह स्कूटर 800 किलोग्राम वजन को लेकर जा सकता है। अब आप कहेंगे कूड़े कबाड़े से तो कोई भी स्कूटर बना सकता है। मज़ेदार बात यह है कि इस स्कूटर में किसी भी प्रकार का कोई भी इंजन नहीं है, ना ही इसमें किसी प्रकार का कोई डीजल पेट्रोल का खपत होती है और इसे चलाने के लिए साइकिल की जैसे पेडल भी नहीं है। बस यही सारी बातें इसको खास बनाती है। इस विशेष स्कूटर का नाम है चुकुड़ो, जो कि कांगो राज्य में बनाया गया है और इसका एक बहुत बड़ा स्टैचू कांगो राज्य में लगाया गया है और इसे देखने के लिए दुनिया भर के लोग आते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो जाने से पहले एक कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।